सत श्री अकाल जी, दिस मनप्रीत कौर और आज जेडी कोठी तुहाडे लैके आई हां बहुत ही प्यारी लग्जरी वर्क और बहुत ही बेहतरीन इहदा फ्रंट एलिवेशन आपां नूं मिल जांदा है। क्वालिटी वाइज भी तुसीं इहदा कम है तुहानूं दिखाऊंगी बहुत अच्छा होया है। प्लस जिहड़ी यूटिलाइज कीती गई है स्पेस ओह वी बहुत वधिया है। 125 गज दी कोठी रहेगी। आपां खड़े हां जी सैक्टर 125 सनी इनक्लेव दे विच। डायमेंशन जिहड़ी रहेगी ओह रहेगी 25x45। 25 इहदा फ्रंट है और 45 इहदी लेंथ है। फ्रंट एलिवेशन तुसी देख सकते हो बहुत ही प्यारा क्लासी अपन फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है। ये आ गया अपना पॉच एरिया। पॉच एरिया की स्पेस तुसी देख सकते हो बहुत ही वड्डी अपन पॉच एरिया की स्पेस मिल जाती है। सारी ब्लैक जिहड़ी मार्बल है वह यूज किया गया है। इस दे नाल ही आ जाता मेरी लैफ्ट साइड से 2 पार्किंग की स्पेस, वह भी तुसी देख सकते हो बहुत अपन लैविश मिल जाती है। अंडरग्राउंड अपन वाटर टैंक अड मिलता पाया और उपर टैंकिस का सैक्शन अड मिलता पाया। स्ट्रेट केसिस के नीचे भी अगर मैं तुम्हें दिखावा तो अपन स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है। प्लस जेडे अपना सिलेंडर है वो तुहाडा बाहर आ जाएगा। फ्रंट वॉल से भी तुसी देख सकते हो डिजाइनिंग बहुत प्यारी वुडवर्क की प्लस लाइटिंग दी हुई हुई है। फॉल सीलिंग भी तुसी देख सकते हो बहुत ही प्यारी लाइटिंग एलईडी लाइट्स के नाल इहदा जिहड़ा काम है वो सेट। सो आपां आ गए हुण घर दे अंदर। फ्रंट डोर तुसी देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिजाइनर फ्रंट डोर अपन नूं मिल जाता है विद डिजिटल लॉकिंग तुहानूं इहदे विच मिलदी पई है। एंट्री करते ही राइट साइड से आ जाता अपना ड्राइंग डाइनिंग एरिया की स्पेस तुसी देख सकते हो बहुत ही प्यारी अपन नूं लैविश स्पेस मिल जाती है। विट्रीफाइड फ्लोरिंग अपन नूं मिल जाती है। टाइलिंग का कंसैप्ट फ्रंट दे विच अपन नूं वाइट विंडो मिल जाती है जिहदे विच जिहड़ा ग्रिलिंग का काम है वह डन मिलता पाया है। इस दे नाल ही अपन नूं बहुत क्लासी वॉलपेपर मिल जाता है। प्लस स्प्लिट एसी की प्रोविजन अपन नूं डन मिलदियां पई हैं। फॉल सीलिंग अपन नूं डन मिलदी पई है विद एलईडी लाइट्स। इस दे नाल ही फ्रंट वॉल दे विच अपन नूं फुल वॉल कवर टीम पैनिंग का काम जिहड़ा डन मिलदा पिया। कलर कॉम्बीनेशन बहुत अच्छे यूज किए गए हैं, एक दूसरे नूं हैंस इनहैंस करते पे ने। इस दे पैलर ही आ जाती है अपनी किचन। किचन दे विच भी तुसी देख सकते हो वाइट ब्लैक एंड गोल्ड का जिहड़ा काम है बहुत ही खिलके आ रहा है। मॉडर्न डिजाइन जिहड़ी किचन है अपन नूं मिलती है। सारी हाइड्रोलिक ऑटोमैटिक क्लोजर्स अपन नूं मिलते पे ने। ड्यूल सिंक्स दे विच भी तुसी देख सकते हो गोल्ड फिनिशिंग दी गई है। सारा गोल्ड का काम होया पिया है, असली गोल्ड का नहीं होया होया, मैं तुहानूं क्लीयर करदा, तुसी बाद फिर कमेंट करोगे। 2 बेडरूम का सैक्शन अपन नूं थले मिलता पाया। 2 बेडरूम का सैक्शन अपन नूं मिलता पाया उपर। इस कोठी की एक अच्छी चीज यह है कि ये तुहानूं 2 कैमरा इंस्टॉल्ड मिलते पे ने बाहर, प्लस वाईफाई भी तुहानूं इत्थे लगे हुए मिल रहा है जो कि अपन बहुत घट्टे देखने को मिलता है कोठी से। ये आ गया जी अपना फर्स्ट बेडरूम की स्पेस तुसी देख सकते हो बहुत ही अच्छी अपन स्पेस मिल जाती है। सेम थले विच बैड फ्लोरिंग अपन मिलती पई है। स्लाइडिंग अपन कबर्ड से जान मिलते पे ने ब्राउन कलर दे विच। टिल रूफ तुहानूं जिहड़े है अपने वार्डरोब से डन मिलते पे ने। उपर स्टोरेज का स्पेस आ गया थले शोकेसिस का विद ड्रैसिंग एरिया। फ्रंट वॉल दे विच अपन जी टीवी पैनलिंग है वो डन मिलती पई है, ये भी ब्राउन दे विच तुहानूं मिल रही है। इस दे नाल ही आ जाता है अपना अटैच वॉशरूम। वॉशरूम दे विच भी तुसी देख सकते हो मिरर दे विच भी लाइटिंग कंसैप्ट अपन डन मिलता पाया है और बहुत ही प्यारी जी टाइलिंग है वो यूज की गई है वाइट कलर की। इस दे नाल ही रूम दे विच भी अपन जो वॉलपेपर है वो डन मिलता पाया है। बहुत ही क्लासी वॉलपेपर यूज किए गए हैं। फॉल सीलिंग डन मिलती पई है विद एलईडी लाइट्स। बैक दे विच अपन जो अपना वॉशिंग एरिया है वो डन मिलता पे है। ऐसे तुसी अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हो, तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आ गया जी अपना सेकंड बेडरूम। सेम सिनेरियो अपन सेकंड बेडरूम का मिल जाता है। वॉलपेपर बहुत ही ब्यूटीफुली डन। बाकी वॉलपेपर तो अपन थोड़ी जी मतलब अलग चीज मिलती पई है, डिफरेंशिएट किया गया है, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इहदा भी। इस दे नाल ही इहदे पैरेलल अपन नूं स्लाइडिंग कबर्ड्स सेम मिल जांदे ने। स्लाइडिंग टिल रूफ विद ड्रेसिंग एरिया। फॉल सीलिंग इहदे विच भी डन मिलती पई है विद एलईडी लाइट्स एंड ब्लू कलर दा कंसेप्ट बहुत अच्छा इहदे विच खिल के आ रहा है। प्लस टीवी पैनलिंग अपन नूं इहदे विच भी डन मिलती पई है। एसी दे प्रोविजन तुहानूं हर किते मिल रहे हैं ड्राइंग डाइनिंग दे विच भी और रूम्स दे विच भी। इह आ जांदा अपना वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। सेम सैगमेंट है इहदे विच भी। इस दे विच भी तुहानूं मिरर दे विच जिहड़ी लाइटिंग दा कंसैप्ट है डन मिलता पिया। फ्लोर ते फर्स्ट फ्लोर ते भी तुसी स्टेयरकेस ते देख सकते हो ब्लैक मार्बल यूज किया गया विद एसएसरी रेलिंग, स्टेनलेस स्टील दी रेलिंग मिल जाती है। ये आ जाती है जी अपनी फ्रंट बैल्कनी। फ्रंट बैल्कनी भी तुसी देख सकते हो काफी वाइड अपन नूं मिलदी पई है।
फ्रंट दे विच टफन ग्लास दे नाल अपन नूं जिहड़ा अपना स्टेनलेस स्टील दा सैगमेंट है ओह अपन नूं डन मिलदा पिया है। इस दे नाल ही फर्स्ट फ्लोर ते भी जिहड़ी फ्रंट वॉल है उहदे च अपन नूं मुरन दी डिजाइनिंग डन मिलदी पई है। सेम सनैरो जिहदा मैं तुहानूं कहा सी कि फर्स्ट फ्लोर दा भी सेम सनैरो हैगा, एस इट इज मिलदा पिया है। ये आ गया अपना ड्राइंग डाइनिंग एरिया, सेम वाइड विंडो अपन मिल जाती है फॉर नैचुरल लाइटिंग, थोड़ी वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी, नैचुरल लाइटिंग रहेगी। ये भी अपन फ्रंट वॉल के जो वॉलपेपर है वो डन मिलता पाया है, पर्सलिंग डन विद LED लाइट्स एंड सेम टिम पैनिंग मिलती पी है, फुल वॉल कवर्ड। इस दे नाल ही मेरे पैरलर आ जाता है किचन, सेम मॉडुलर किचन फुली हाइड्रोलिक मिल जाती है ये भी विद ड्यूल सिंक्स। ये आ गया जी अपना थर्ड बैडरूम, थर्ड बैडरूम के देख सकते हो बहुत ही प्यारा वॉलपेपर, लाइट वाइट कलर का अपन जो वॉलपेपर डन मिलता पाया, ऑफ वाइट कलर का अपन डन मिलता पाया, प्लस वॉल सीलिंग अपन ये भी डन मिलती पी है विद LED लाइट। वॉर्डरॉब अपन सेम सनैरियो अपन स्लाइडिंग मिलते पे ने टिल रूफ एंड अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के भी देख सकते हो कि थोड़ा जा मतलब अंतर रखा गया है, सेम टू सेम नहीं किया गया वॉश बेसिन, अगर मैं नीचे की गल करा वो अलग कलर सैगमेंट से, ये अलग कलर सैगमेंट है प्लस टिव पैनिंग डन। अगर मैं ऑल इन ऑल की गल देखा या करा तो कलर कॉम्बीनेशन अच्छे यूज किए गए हैं, कुछ तड़कता फड़कता नहीं है, मतलब अखा तो चुभ नहीं रहा, क्लासी है, काम कलर यूज किए गए हैं। वॉलपेपर भी जिन्हें भी मैं देखे हैं नीचे ड्राइंग रूम के या बैडरूम से अच्छे यूज किए गए हैं। सेम सिनेरियो फोर्थ बैडरूम, स्प्लिट एसी की तुम्हें प्रोविजन मिलती पी है, बहुत ही प्यारा फ्लोरल अपन वॉलपेपर डन मिलता पाया है, स्लाइडिंग कबर्स ये भी अपन डन मिलते पे ने टिल रूफ। इस दे नाल ही आ जाता है टीवी पैनलिंग, एज यू सी सेम ब्राउन एंड वाइट कंसैप्ट दे विच एंड द वॉशरूम, चार वॉशरूम दे विच तुहानू मिरर दे विच लाइटिंग दा कंसैप्ट डन मिलेगा, प्लस जिहड़ी जगह है वॉशरूम दी वो भी काफी अपन खुली मिलती पई है, मतलब 125 गज मैनू लग नहीं रहा है 125 गज है, कुट अपन कितने नहीं अपन महसूस होना पाया। और फर्स्ट फ्लोर दे विच भी अपन बाहर एक छोटा सा बैल्कनी दिती हुई है, बैक एरिया दिता हुआ है जिसे टैप तुहाडी लगी हुई है। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मैंने लगी है, बजट वाइज एडी डिमांड है 1,10,00,000, जिवें कि मैं तुहानूं वीडियो दे विच भी दस रही थी 125 गज मैनूं ये लगता नहीं है, बिकॉज यूटिलाइज ही बहुत अच्छा किया गया है, बैडरूम की स्पेसिस हो गया अपनी, ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस होगी और वॉशरूम की स्पेस बहुत अच्छी निकली गई है। सो लग ही नहीं रहा कि 125 गज है, और फ्रंट बहुत अच्छा अपन मिल जाता है, 25 फ्रंट है, तो यह भी बहुत अच्छी चीज है, पोर्च एरिया अपन बहुत मिलता है, जिनी मर्जी वीडी गड्डी उत्थे पार्क कर सकते हो, तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तुहानूं अज्ज दी प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी, फॉर फर्दर इनक्वायरी दिए गए नंबर उत्तों कॉल करो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।